अच्छी है। ओ मिसफील्ड, जिसके कारण वो चार मिलेंगे यहाँ पे। कुसिल परेरा को रोकना चाहिए था, शॉट फाइन पे आप खड़े हैं, मौका था वहां पे, पर ये चार रन मिलते हुए पहली बाउंड्री माइमरिट्स के लिए। बॉल को ये देखें, फिर डज, और ये लीजिए पहला चौका कट पे लगा है। ये बल्लेबाज अलग नजर आता है, वसीम, इनके पास वो समय है, कला है 15 मिनट से नुकसान के, ये पकड़ना पड़ेगा। चलिए बैक टू बैक बाउंड्रीज, एक बार फिर टांग खोली और खेल दिया अब कवर की दिशा में चार रन के लिए। कल शायद चार्जा में दिखेंगे। और शॉट है, कड़क है, बल्ले के बीचों बीच जब लगता है ना तो पूरा रन वो स्पेशल लगते हैं। डीपी वर्ल्ड बिगेस्ट सिक्सेस के दावेदारी शामिल कर दिए इन्होंने। यूएसडी 1500 कमाल का एक खिलाड़ी है, लेकिन अपनी वो इच्छा जाहिर कर दी है। मैं कहूँ खराब गेंद थी, अगर पिछले वाली गेंद की बात करें तो वो ऑस्टम के बाहर थोड़ी आगे थी, ये गेंद छोटी विकटों में थी, टांग पर थी, तोहफा था एक पूरन के लिए। ये समझ में नहीं आया आपको, ये बहुत महंगा वैलेंटाइन डे होने वाला है। बेहतरीन शॉट, चार रन मिलेंगे यार। जितने कमाएंगे नहीं उतने आज गवाएंगे। निचोड़ हो जाता है। ये लीजिए, ये जो शॉट है ये परिपक्व बल्लेबाज की है, बहुत दूर गेंद जाके गिरी है। बिगेस्ट सिक्स में डीपी वर्ल्ड केस में ये शॉट शुमार हो सकती है लेवल पे यूएई, पर ये शॉट वकार भाई खास ही शॉट थी। देखिए हम जब पिच रिपोर्ट करते हैं या एनालिसिस करते हैं तो हम कहते हैं ये ग्राउंड की साइड छोटी है, ये ग्राउंड की साइड कर सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल सीधा, करारा और तीखा, चार रन मिलते हुए यहाँ पे, लेंथ को बहुत जल्दी परख लिया था, और ये काबिलियत है निकोलस पूरन की। 11 ओवर के बाद 76 पे थी, फिर से उठा के खेला, जबरदस्त वहां पे प्रहार किया है और मिलेंगे 6 रन मैक्सिमम। ये काबिलियत है पूरन की, ये चर्चा हम कर ही रहे थे, हल्ला बोल दिया इन्होंने। गेंद तेज था, ऐसा स्लो बॉल भी नहीं था, 142 की स्पीड से किया हुआ था और लेंथ से उठाया। और जब ये शॉट खेलते हैं ना ऑन साइड पर, जिन्हें देखिए बल्ले का फ्लो ये देखने वाला होता है, कोई भी चीज छोड़ते नहीं है पीछे। इस बार अच्छा शॉट है, मेरी बात सुन ली लगता कि स्ट्राइक रेट बढ़िया नहीं है। बहुत बढ़िया शॉट, इस छक्के के साथ 100 रन भी पूरे किए माई एमिरेट्स ने। हमने पिच ऑफ द बॉल जाके फ्री फ्लो ऑफ द बैट, 85 मीटर का छक्का, एक ही सोच थी ब्रावो के मन में कि बड़ा शॉट खेले, आखिरी 6 ओवर में कारगर साबित होते हैं, बड़ी शॉट खेलते हैं, क्योंकि जब ये बल्ला घुमाते हैं ना तो ताकत आती है, जब ताकत आती है तो साथ में चार आते हैं। पहला प्रहार जिम जेविट के बल्ले से, बल्लेबाज, क्योंकि आप शुरू में 2-3 इनिंग में रन नहीं करते ना तो फिर एक प्रेशर अलग रहता है। इस बार वो मौका, उंगलियां लगी थी, गेंद हवा में थी, मिलेंगे 4 रन यहाँ पे के विरुद्ध। प्रयास तो किया था यॉर्कर का, फुल पे लिया और यहाँ पे 4 रन, और रन थम नहीं रहे, बहुत तेज गति से रन आ रहे हैं और ये बढ़िया बल्लेबाजी है। तो फिर बात ही कुछ और होती, करारा प्रहार है, गेंद बाउंड्री लाइन तक जाएगी, कोशिश जरूर करेंगे फील्डर, लेकिन दूसरा चौका इस ओवर का, और धीरे धीरे मेरे टारगेट की तरफ पहुंच रहे हैं, जो आपको थोड़ा परेशानी में डालता था। फिलहाल यहाँ पे वो बड़ा शॉट लगाया है और ये परेशानी में डाल रहे हैं, 6 रन अब, 2 गेंदों में 10 रन। 160 तो यहाँ पे हो चुका है, 159 इनकी मिस हिट भी छका ही है, तो ये बात तो दो राय होनी नहीं चाहिए कि ये जितनी जोर से मारते हैं, बहुत जोर से मारता है, इतनी जोर से हिट मारता है कि छक्का है तो शायद ये भी वहाँ ही कहाँ है। बेहतरीन शॉट, 4 रन मिलेंगे यार, कदमों का इस्तेमाल, जगह बनाई और स्क्वायर कट, लेग स्विंग, इन स्विंग, और एक बार कदमों का इस्तेमाल, या 6 रन मिलेंगे। जी हाँ, बढ़िया शॉट क्रिसलन द्वारा देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से पिछले ओवर के आखिरी गेंद पे वो छक्का चढ़ा था, डीपी वर्ल्ड बिगेस्ट सिक्सेस में अपनी दावेदारी शामिल की और वहां पे अच्छा गेंद, फिर बुरा गेंद, आई सपोज फील्ड के मुताबिक गेंद करना चाहिए, तो दूसरा गेंद उन्होंने यहाँ किया डाउन लेग साइड और बिना वजह की बाउंड्री पर उठा के खेला ऑन साइड पे, बहुत ही जबरदस्त प्रहार यहाँ पे, मिलेंगे मैक्सिमम 6 रन,
जैसे शॉट खेले थी वो 6 रनों की छाप लगी हुई थी। लंबे कद के बैट्समैन हैं, डीप खड़े रहते हैं, वेट किया और खेल दिया खूबसूरती से ऑलमोस्ट मिड ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। बिल्कुल, जब वकार डीप की बात करते हैं उसका मतलब है ये क्रीज के अंदर खड़े हैं, पीछे अगली लाइन के पीछे खड़े हैं, तो जो बैक ऑफ अ लेंथ बॉल है आते हैं अपने इरादे दर्शाते हैं और अपनी टीम को महत्वपूर्ण 6 रन दे के जाते हैं। और मैच विनर सकलेन भी और शोएब अख्तर भी अपने दिन में 11 समाप्त। सलाम खेल ले, एक स्लिप तरात और उठा के खेला है, यहां पे जबरदस्त कनेक्शन और गेंद बहुत दूर जाके गिरी है। एक शॉट से ऐसे गुजारा नहीं होगा, ऐसे बहुत लगाने पड़ेंगे मुकाबला जीतने के लिए। जाइंट्स के बल्लेबाजों को तो एक औपचारिकता रहेगी है कि बस अब मैच खत्म है, यहाँ से जीत पाना नामुमकिन है। जिताया सिकंदर अजहर ने दुबई कैपिटल को, हो तगड़ा प्रहार, चाहे जितने आखिरी ओवर में इन्होंने डाल के खाए थे उतने तो बनाएंगे क्रिस जॉर्डन। ये तो रोहन कलाइयां रबर रिस्ट जिसको कहते हैं, टाइमिंग तो उम्दा था ही पर आप रिस्वक देखिए जी। बिल्कुल,